दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रोटेक्शन लिया जाता है उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है और प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिले का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लिया है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वह है इसकी वाइंडिंग, और वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर ऑयल डला हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इस पोर्शन को हम कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। कंजर्वेटर टैंक में यहाँ पर मिनिमम ऑयल गेज लगा होता है। उसके बाद यहाँ पर बुकोज रिले लगी होती है। उसके बाद वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए यहाँ पर RTD लगी हुई होती है, और ऑयल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी RTD होती है। ट्रांसफार्मर में यहाँ पर PRD लगी हुई होती है, यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है वह यहाँ पर लगा हुआ होता है। ये जितनी भी डिवाइस लगी हुई है ये सारी हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के काम आती है, और इन डिवाइस के अंदर वायर लगे होते हैं, वह वायर इस पैनल के अंदर आकर कनेक्ट होते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर देखे होंगे। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर में इस तरीके से कांच की कुछ बॉटल्स लगी होती है, और इन कांच की बॉटल्स के अंदर पारा भरा हुआ होता है, यानी मरकरी को इस बॉटल के अंदर भर दिया जाता है। इस मरकरी की बोतल के ऊपर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर दो वायर आकर कनेक्ट हुए हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये वायर NO पोजीशन में रहते हैं, यानी जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पे होता है तो यह जो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर हैं वह नॉर्मल पोजीशन पे होंगे। उस कंडीशन के अंदर इस बोतल के अंदर जो पारा है वह यहाँ पर होगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर रेंज से हाई चला जाता है तो यह पारा बोतल के इस एंड पर आ जाता है। और पारे की प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पारा एक कंडक्टिव मटेरियल होता है, यानी मरकरी में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकते हैं। जैसे ही ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ता है और यह इंडिकेटर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो मरकरी इस बोतल में इस पोजीशन पर आ जाती है, जिससे इस पोजीशन पर लगे हुए कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, यानी पारे की वजह से यह कॉन्टैक्ट NO से NC बन जाते हैं। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की वर्किंग सेम सी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर बुकोल रिले लगी होती है, मिनिमम ऑयल गेज लगा हुआ होता है, प्रेशर वाल्व गेज लगा होता है, और वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर के लिए RTD लगी हुई होती है, और RTD से जो केबल होती है वह सीधा इन इंडिकेटर्स के अंदर आकर कनेक्ट हो जाती है, और बुकोल MOG और PRV से जो केबल निकलती है वह यहाँ पर LMAX पे आकर कनेक्ट होती है। अब हम इसका सर्किट बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, यह किस तरीके से हमारे पैनल तक पहुँचती है। यहाँ पर जैसा कि आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमने कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट DC लिया हुआ है। यहाँ पर ड्राइंग के अंदर आप NO कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। इस ड्राइंग के अंदर मैंने जो NO कॉन्टैक्ट दिए हैं वह हमारे प्रोटेक्शन डिवाइस के NO कॉन्टैक्ट हैं। अब जो हमारी बुकोल्स रिले लगी हुई है तो बुकोल्स रिले के अंदर दो NO कॉन्टैक्ट होते हैं। एक NO कॉन्टैक्ट बुकोल्स अलार्म का होता है, और दूसरा NO कॉन्टैक्ट बुकोल्स ट्रिप का होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हमारा ऑयल कम होता है तो सबसे पहले बुकोल्स अलार्म वाला NO कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट में बदलता है, और जैसा कि यहाँ पर आप रिले देख सकते हैं, इस रिले के अंदर जो ये वाला कॉन्टैक्ट है वह ट्रिप हो जाएगा। अलार्म वाले कॉन्टैक्ट से हमारा सर्किट ट्रिप नहीं होता है, बल्कि हम इस रिले को देख के पता कर सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ऑयल कम हो गया है, अब हमें ऑयल और फिल करने की ज़रूरत है। अब यदि हम ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल फिल नहीं करते हैं और ऑयल और भी ज़्यादा लो होता है तो उसके बाद बुकोल्स ट्रिप वाला अलार्म आएगा, और बुकोल्स ट्रिपिंग के अंदर ये रिले हमारी ट्रिप हो जाएगी, और इस रिले के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वह हमारे ब्रेकर के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उस कंडीशन में हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, जो ट्रांसफार्मर की इनकमिंग वाला सर्किट ब्रेकर है, वह इमीडिएट ट्रिप हो जाएगा और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरीके से वाइंडिंग टेम्परेचर वाला अलार्म और वाइंडिंग टेम्परेचर वाला ट्रिपिंग भी काम करता है। जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वह बहुत ज़्यादा राइज होता है तो उस कंडीशन के अंदर वाइंडिंग टेम्परेचर पर जो RTD लगी होती है वह इस इंडिकेटर की पोजीशन को चेंज कर देगी। इंडिकेटर की पोजीशन को चेंज करने से इस बोतल के अंदर जो मरकरी है वह इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगी, यानी इस कॉन्टैक्ट को वह NO से NC में कन्वर्ट कर देगी, और NC में कन्वर्ट करते ही हमारी वाइंडिंग अलार्म वाला जो रिले है वह ट्रिप हो जाएगा और वाइंडिंग टेम्परेचर का अलार्म शो होने लगेगा। इसके बाद भी यदि हम हमारे ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग टेम्परेचर लो नहीं करते हैं, जिससे यह इंडिकेटर अपनी पोजीशन को और चेंज करेगा, और उससे इस इंडिकेटर के अंदर जो दूसरी बोतल है वह भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, जिससे इस बोतल के अंदर भी NO से NC कॉन्टैक्ट बन जाएगा, और वाइंडिंग टेम्परेचर की जो रिले यहाँ पर लगा रखी है वह रिले ट्रिप होगी, और वह रिले हमारे सर्किट ब्रेकर को कमांड देगी, और सर्किट ब्रेकर इमीडिएट हमारे सर्किट को ट्रिप कर देगा, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर की इनकमिंग सप्लाई बंद हो जाएगी और ट्रांसफार्मर हमारा सेव हो जाएगा। इसी तरीके से ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर भी काम करता है। उसके बाद आता है PRD, यानी प्रेशर रिलीफ डिवाइस।
जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत हाई पोटेंशियल वाला फॉल्ट आता है, यानी बहुत हाई लेवल का कोई फॉल्ट आता है, तो उससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर का जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, और गर्म होने पर वह इस प्रेशर रिलीफ वाल्व से निकलने लगता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व से निकलने पर इसके ऊपर जो रिले होती है वह रिले अपने एनो कॉन्टैक्ट को एनसी में कन्वर्ट कर देती है, और एनसी कॉन्टैक्ट के द्वारा यह सप्लाई इस रिले में फ्लो होती है और यह रिले इमीडिएट ट्रिप हो जाती है। इस रिले के ट्रिप होने से यह रिले हमारे सर्किट ब्रेकर को कमांड देगी और सर्किट ब्रेकर हमारे ट्रांसफार्मर के इनकमिंग सप्लाई को काट देगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन होता है एमओजी, यानी मिनिमम ऑयल गेज। यह मिनिमम ऑयल गेज कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा होता है। जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक का ऑयल कम होने लगता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले एमओजी अलार्म आता है, और इस अलार्म के अंदर भी एनओ कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे इस रिले के अंदर सप्लाई फ्लो होने लगेगी और रिले एमओजी अलार्म शो करने लगेगी। और यदि हमारे कंजर्वेटर टैंक से जो ऑयल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब उस कंडीशन में एमओजी ट्रिप वाला अलार्म जनरेट होगा, और एमओजी ट्रिप वाला जो एनओ सर्किट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनसी सर्किट इस 30G वाली रिले को कमांड देगी, और 30G वाली रिले हमारे सर्किट ब्रेकर को इमीडिएट ट्रिप कर देगी। तो आप ये चीज़ तो समझ गए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ये रिले किस तरीके से काम करती है। इन रिले को हम ट्रिप सुपरविजन रिले भी कहते हैं। एक सुपरविजन रिले के अंदर हम 3 सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक सुपरविजन रिले के अंदर हम बुकोल्स ट्रिपिंग, वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिपिंग और ऑयल टेम्परेचर ट्रिपिंग के वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी सुपरविजन रिले के अंदर हम बुकोल्स अलार्म, वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म और ऑयल टेम्परेचर अलार्म को कनेक्ट करते हैं, और तीसरी सुपरविजन रिले के अंदर हम एमओजी ट्रिप, पीआरडी ट्रिप और एमओजी अलार्म वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का यूज किया है। 110 वोल्ट डीसी सप्लाई हमने इस पैनल से ली है, और इस पैनल के अंदर 110 वोल्ट जो डीसी सप्लाई है वह वायर के थ्रू होती हुई हमारे ट्रांसफार्मर पर गई है, और ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रोटेक्शन डिवाइस है उसके एनो कॉन्टैक्ट पर गई है, और एनो कॉन्टैक्ट से वापस रिटर्न होती हुई यह सप्लाई हमारे रिले पर आई है। तो इस तरीके से यह सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। यह प्रोटेक्शन हमारे ट्रांसफार्मर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि किसी एबनॉर्मलिटी के कारण हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप होता है, और उस एबनॉर्मलिटी को हम सही कर लेते हैं। अब सही करने के बाद हमें फिर से ट्रांसफार्मर चार्ज करना है। अब जब भी आप ट्रांसफार्मर को चार्ज करेंगे तो आपको यह रिले वापस से रिसेट करनी होगी। रिसेट करने के लिए आपको इस रिले के अंदर नीचे से एक बटन दिया गया है, उसे पुश करना होगा। जैसे ही आप पुश करेंगे तो इसके जो कॉन्टैक्ट है वापस से ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद आप अपने ट्रांसफार्मर को वापस से चार्ज कर सकते हैं। इन प्रोटेक्शन के द्वारा हम ट्रांसफार्मर के अंदर काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटी का पता कर सकते हैं। यदि हम ट्रांसफार्मर को जाकर देखें भी नहीं और हम पैनल पर ही रोज ऑब्जर्व करते रहें तो भी हमें ट्रांसफार्मर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वह कम तो नहीं हो गया है, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है ना, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर ज़्यादा राइज तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें केवल पैनल से ही पता चल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम करता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।